स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप सो आपने इसे खुद सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो को फौरन पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि आपका खुद सॉल्व करना बेहद जरूरी है, बिकॉज जब आप लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं तो एक्सरसाइजेस क्या है, एक्सरसाइज ये है कि भाई आपने जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा उसका आप रिविजन कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि जो एक्सरसाइजेज में जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो उसमें क्वेश्चन होते हैं, वो आपके लिए आपको बताया जाता है कि भाई जो चैप्टर का मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर इसको खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, आपको ये पता रहेगा कि भाई मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मेरे को नहीं आ रहा, कौन सा पॉइंट मेरा वीक हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आपने इसे कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, और अगर कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे नंबर वन पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, जहां पे भी चैप्टर में यूनिट्स की बात आती है, चाहे फ्रीक्वेंसी किसकी भी, कोई भी मेजरमेंट है और इसकी यूनिट की बात आएगी तो वो आपका क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा। ठीक है, तो यूनिट्स को याद रखना हमेशा जरूरी है, और यूनिट्स को आप हमेशा याद रखिए, और यूनिट्स का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल हाफ हो जाता है। मतलब ये है कि यूनिट लिखने के बाद आपका क्वेश्चन फुल्ली आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये कहा जाए कि ये 10 है ना, जैसे कि हमने पीछे वाले चैप्टर में प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल टू 10,000 लिख दिया आपने, उसके बाद पास्कल नहीं लिखा। ठीक है, तो जो आपका एग्जामिनर होगा, जो क्वेश्चन चेक करने वाले होंगे, वो आपको क्या करेंगे, हाफ मार्क्स देंगे। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू 10,000, व्हाट 10,000, आपको वहां पे पास्कल लिखना जरूरी है। इसी तरीके से मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी जो भी यूनिट है उसका लिखना जरूरी होता है। ओके, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। फर्स्ट नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखिए, मीटर पर मीटर, सेकंड पर सेकंड। देखिए, पर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर सेकंड यूनिट, जो फ्रीक्वेंसी की मेन यूनिट है वो पर सेकंड है, जिसे हम लोग हर्ट्ज के द्वारा डिनोट करते हैं। हर्ट्ज क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई जो जर्मन फिजिस्ट थे उनके नाम पे उनका रखा गया, उनको सम्मानित करते हुए। ओके, सेकेंड क्या है, अ बॉडी वाइब्रेटिंग विद अ हायर फ्रीक्वेंसी विद हैव अ हायर पिच। ओके, थर्ड नंबर है, साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिर ऑल ऑफ दिस, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फोर्थ नंबर है, साउंड वेव विद अ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, फिफ्थ नंबर है, नॉइज पॉल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड एयर, ट्रैफिक नॉइज, ब्लेरिंग, लाउड स्पीकर, या फिर डी नंबर है, बोथ बी एंड सी। देखिए, ये जो आपका ऑप्शन है ना, बोथ बी एंड सी, तो आप इस पे लिखिएगा, इस पे आप टिक मारिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप बी नंबर वाला है ट्रैफिक नॉइज, और सी नंबर वाला है ब्लेरिंग लाउड स्पीकर। तो अगर आप इनमें से किसी एक को कर दिया, और उसके बाद ये वाला जो रह गया डी नंबर का जो है, बोथ बी एंड सी, अगर आपने इस पे नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि भाई जो बोथ बी एंड सी वाला है, क्योंकि बी वाला भी बिल्कुल ठीक है और सी वाला भी बिल्कुल ठीक है, तो ये जो डी नंबर का ऑप्शन है ये आपका सही होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट नंबर है, साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर बाय मीन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। ठीक है, नंबर थ्री है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। नंबर फोर है, द पिना क्लिक्स साउंड वेव्स इन डायरेक्ट देम टू द एयर ट्यूब। फिफ्थ नंबर है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, एंड बी नंबर है हमारा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, और ये हमेशा की तरह आपके लिए होमवर्क रहा, आपको इसे खुद सॉल्व करना है, एंड कुछ चीज़ आपको खुद भी करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, वाइब्रेशन की डेफिनेशन करनी है, एम्पलीट्यूड, अल्ट्रासोनिक वेव्स, नॉइस, नॉइस पोल्यूशन, ये सब चीजें क्या है, इनको आप डिफाइन करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नंबर वन है हमारा, हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस।
आंसर इज का साउंड वेव प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. सेकंड नंबर है नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स. देखिए ये खुद ही इतने इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इस वजह से कर दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार आए हुए हैं जिनको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ही चाहिए होते हैं, तो उनके लिए मैंने रखा हुआ. वरना जो आप लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं तो आप खुद ही इन्हें सॉल्व कीजिए. बहुत ही इजी आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उनके आंसर उससे भी ज्यादा इजी है. So, क्या पूछे हैं? टू फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स. भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, हमने बहुत सारे पढ़े थे, तो दो में से ये है नेचर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, ठीक है, हमने देखा था बहुत सारे, मतलब टेम्परेचर पे भी साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. थर्ड नंबर है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन. सो द टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स फॉर ह्यूमन बींग्स. सो द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स फॉर ह्यूमन बींग्स इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. वी कैन नॉट हेयर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20,000 हर्ट्ज. ओके, फिफ्थ नंबर है नेम थ्री टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज पर्कशन, विंड एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा गिव टू हार्म हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. सो द टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज इरिटेशन एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, एयर डैमेज एंड लॉस ऑफ हेयर. ठीक है, और भी बहुत सारे हैं तो आपको जो बेहतर लगे आप वो भी लिख लीजिएगा. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस साउंड वाइल टॉकिंग. चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब ह्यूमन बींग्स होते हैं, जब वो बोलते हैं, या हम मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हैं, कोई भी बोल रहा है, तो वो बोलते वक्त उनकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स जिसे कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के जो विंड पाइप होती है उसके सबसे अपर पार्ट पे वो पाया जाता है. सो इन ह्यूमन बींग्स वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, यहाँ पे विंड पाइप लिख दीजिएगा, अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी नहीं लिखा जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द विंड windpipe of the human body. When air is meant to pass through the slit, the vocal cords vibrate, therefore producing the sound in humans. Question number second is explain how sound waves travel in air. So sound waves travel through air. When air molecules vibrate, the air molecules come together in areas called compressions and they lie away from each other in areas called rarefactions. The air molecules do not move from their place but only vibrate about their original position and they transmit the waves and that's how sound travels in the air. Okay? Question number 3 है, explain briefly how the air works and therefore how we hear. देखिए ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ब्रीफली आपको बोला गया है, लेकिन फिर भी आपको इसको, चूंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स के आते हैं नॉर्मली जनरली, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखना होगा. ओके, सो अवर एयर कंसिस्ट ऑफ आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर. और आउटर एयर में क्या है, पिन्ना है आपका, विच कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ट्यूब. एट द एंड ऑफ एयर ट्यूब, एट द एंड ऑफ अ ट्यूब या फिर एयर ट्यूब इज द एयर ड्रम और टिम्पैनम. द एयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट एंड ट्रांसमिट द साउंड टू द मिडल ईयर. मिडल ईयर में क्या है, द मिडल ईयर इज अ कैविटी विद थ्री इंपॉर्टेंट एयर बोन्स. दीज थ्री एयर बोन्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे मूव व्हेन द एयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड देयरफॉर ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. इनर ईयर, द इनर ईयर इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. द इनर इज फिल्ड विद फ्लूइड. Inner ear is filled with fluid. When this fluid vibrates, it excites tiny hair in the inner ear. These hair transform the vibrations into electrical impulses, which are then transferred to the brain via the auditory nerve. This is how we hear a sound. देखिए ये तो मतलब मैंने बुक की ही लैंग्वेज लिखी है, लेकिन आप इसको क्या करिएगा, समझ लीजिएगा, समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. ओके, वैसे आप जो बुक का लिखा हुआ है तो उससे बेटर ही नहीं हो सकता है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा एक्सप्लेन द थ्री कैटेगरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. द थ्री कैटेगरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. अब थोड़ा सा चुके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो उनका थोड़ा सा हमें डिटेल भी करना होगा, डील भी करना होगा, है ना. सो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या है, द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल गिटार. विंड इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस द साउंड ड्यू टू द विंड, फॉर एग्जाम्पल ट्रम्पेट, फ्लूट, एक्सेट्रा. पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट, द मोस्टली हैव अ स्ट्रेट आउटर मेम्ब्रेन ड्यू टू द साउंड इज प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल तबला एंड ड्रम्स एक्सेट्रा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा व्हाट इज नॉइज, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, व्हाट मेजर शुड वी टेक टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन. सो अनप्लीजेंट डिस्कम्फर्ट कॉजिंग साउंड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड द नॉइज. सस्टेन्ड प्रेजेंट ऑफ हार्मफुल, अनवांटेड और अनोइंग
noise in the environment is called the noise pollution. Some of the measures one should adopt to keep noise pollution is the use of loudspeaker should be avoided. People living in flats and houses close to each other should not talk too loudly or play the television music too loudly so as not to disturb their neighbors. While driving, people should avoid playing loud music and using the horn unnecessarily. ओके तो आज की वीडियो यहीं तक. आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी. नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर नंबर 12 के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिए. आपको इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है और वहाँ पे आपको क्लियरली सारी बातें समझ में आ जाएंगी. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में है उनको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम 7th क्लास का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं साइंस का, और 8th क्लास का हमारा चल रहा है, और साथ साथ हम सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं जिसमें हमारे सिविक्स एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. तो आप ज़रूर शेयर कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम.